खाना दे दो यार, लेट हो रहा हूं। तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। सुनिए ना। हाँ बोलो। बहुत टाइम हो गया ना घर जाके, तो मैं और अंश 2-3 दिन के लिए जाऊँ क्या? तुम केरला में ही रह जाओ ना, साल में तुम्हें 10 बार जाना होता है। चलो ठीक है। CAA और NRC के बीच गगन नगर से खबर आ रही है कि एक माँ ने अपने बच्ची के साथ आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार उन्होंने खाने में जहर मिलाई थी। बच्चे की उम्र 4 साल और माँ की उम्र 27 साल बताई गई है। मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। Come in. Sir, I have completed my files. Can you take a look at them? Amma. Endedukka. Ey, onnum illa. Nee kore naale ingottu varan nokka. Palace, you left something yesterday. Kalakkalli thona. Amma, amma ki ivda situation enda nu arille. കുറേ നാളായി ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ഇടങ്ങേറാ. അമ്മ എന്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാ വെച്ചി വെച്ചെ. മതിയോ? അതെ, എന്റെ അപ്പനെ തീരെ. അമ്മ ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി, അമ്മ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം, പ്ലീസ്. Hey, true, bet that up for the track. We're gonna take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drinking, smoking, then say. You have an issue. और पारस मिश्रा, क्या हाल है भाई? ठीक हूँ भाई. सुनना यार भाई, यार थोड़ा सीन हो गया. सुना, बाद में आएगा काम. बात है यार, बात तो सुन ले यार भाई की. सुनाए बिना रहेगा भी नहीं, तो बोल यार भाई. आज सुबह भाई गाड़ी खराब हो गई यार. क्या बात कर रहे हैं? बहुत सुबह से डांट रहे हैं यार, पता नहीं आज. बड़ी दिक्कत वाली बात है यार. फिर भाई तू आजकल इग्नोर कर रहा है क्या मुझे? छोड़. अरे वो सुनना, सुनना भाभी का कॉल आ रहा है आजकल बहुत. पर आज रात बुलाया अभी है. सुन मैं भोसड़ी के. देख बकवास मत किया कर, मेरे तो फालतू घर वालों के बारे में. बात नहीं यार, भाभी ने चिकन खाने बुलाया था यार डिनर पे. सोच रहा था दोनों भाई साथ में खाएंगे. तू मादर चोक पल पीछे चुम्मी लेगा क्या? दूर हट. अरे यार तू बुरा क्यों मान रहा है यार? देख तू काम बता सीधे सीधे यार. वो अब यार आज बंदी को लेकर जाना था शाम को यार. तू तो जानता ही है बंदी कैसी है मेरी. गाड़ी मेरी. गाड़ी चाहिए तेरे को? हाँ भाई. वो भूखे नंगे पकड़, ठीक है? अब निकल यहाँ से. थैंक्स भाई, जरूरत पड़ी तो फोन कर देना. और सुन, थोड़ा काम ज्यादा है, 9 बजे तक फ्री होऊंगा. अगर नहीं आया ना तब तो समझ लेना. भरोसा रख, तेरा भाई आ जाएगा. चल जा. साला कौन आने देता है यार इसको यहाँ पे? हर बार आके साला दिमाग खराब करता रहता है. तू क्या देख रहा है? काम नहीं है क्या? भाग यहाँ से. कल को आपकी बेटी को मेरा बेटा आई लव यू कहता है. सर सर रहते हैं, उठना बैठना है, घूमना. हाँ मतलब पहले क्या था? थोड़ा काम कर रहा हूँ मधु, थोड़ी लेट हो जाऊंगा. चलो ठीक है. हेलो, एम आई टॉकिंग टू पारस मिश्रा? या स्पीकिंग. सर माय नेम इज रविशंकर और मैं GOST बैंक से बोल रहा हूँ. हमें आपको 14 लाख के लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताना था. सो हाउ मच इज गोना बी द इन्वेस्टमेंट? सर देयर इज नो इन्वेस्टमेंट. क्या? देयर इज नो इन्वेस्टमेंट सर. अच्छा फ्री में? हाँ सर बिल्कुल फ्री है. मतलब चाचा लगता हूँ कि मामा लगता हूँ? सर दिस इज जेन्युइन और GOST बैंक ने ये स्कीम सिर्फ आपके लिए बनाई है. ये जो तू काम कर रहा है ना वो मैं करके छोड़ चुका, समझा? इसी फील्ड में था. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आई विल कम बैक टू यू सून. हेलो हेलो. साला मेरे को फ्री में बेचेगा इंश्योरेंस. हेलो सर, आप श्योर है ये लाइफ इंश्योरेंस आपको नहीं चाहिए? क्यों भाई फिर गाली खाना तेरे को? समझ नहीं आ रही. तुझे नहीं चाहिए तो विकी को दे दे, गाड़ी तो दे ही दी है ना. कौन कौन बोल रहा है? ले लीजिए ना सर लाइफ इंश्योरेंस, कहीं मर गया तो मधु ऑरेंज का क्या होगा? तेरे को इतना कुछ कैसे पता मेरे बारे में? कौन बोल रहा है? मादर चोद, सामने आना. हेलो हेलो. Thank you.
विक्की आया था क्या? एक बार आया थे, फिर आए। लाजो चलोगे? ओ भाई, ओ पैसेंजर देख क्या क्या रात को भाई, आराम से चला बे। माता चुरु लगा लगा यहीं पे लगा लगा टाइम पे लगा। तेरा जान मान की फिक्र है तेरे को कि नहीं है? पकड़ बैंच दे, पैसे पकड़ो, निकल यहाँ से। अगर जान की इतनी फिक्र है तो इंश्योरेंस क्यों नहीं ले लेते? 14 लाख का क्या बोला है? क्या बात कर रहे हो भाई? अगर आपकी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं ही कर लेता आपसे शादी। अच्छा, पर इतनी आसानी से मैं थोड़ी ना मान जाती। ऐसे कैसे फंसा लेते आप मुझे? कहा था तू भाई? वाश में वो वापस ही आ रहा था। पानी लेके 15 मिस कॉल पड़ी हुई है। वो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया होगा। वो सड़ी के अगली बार देख, तू गाड़ी मांग के। भाई मुझे लगा कि तू इधर ही होगा तो मैं सीधे इधर ही आ गया। अंश कहाँ है? सो रहा है। तुम जाओ अंदर जाओ। हाँ। अच्छा भाई सुनना यार, थोड़ा पैसों का शॉर्ट चल रहा था यार। वो गगन नगर वाला प्रोजेक्ट याद है यार? उसका कुछ शॉर्ट हुआ क्या पैसों का? चुप हो जा भाई। देख सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ। खाना खा। मैं निकलता हूँ भाई। सुनिए जी, फिर आइएगा ना। अरे जरूर जरूर। विक्की अंकल। और चैंप क्या हाल है? पारस भाई यार चेंज नहीं है, ऑटो वाले को 50 रुपए देने हैं। दे। अरे कंजड़ आदमी, कभी तो कुछ देने आया कर, हमेशा मांगता रहता है। हंस बेटा, बेटा ये ले 50 रुपए, नीचे से ना ऑटो वाले अंकल होंगे, उनको तुरंत देके भाग के आ जा। ओके। भाई यार वो ब्रेकअप हो गया और तेरी असिस्टेंट को पटा लिया मैंने। देखिए बहुत सारे लड़कों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक साथ 5-6 लड़कियों पे क्रश उनको आ जाता है और उन सबको पीछे लगे होते हैं अलग अलग जगह पे, कहीं ऑफिस में एक मिल गई, कहीं घर के पास एक मिल गई। तुझे आए हुए कितना समय हो गया? यही कुछ 20-25 मिनट पहले। मैं अंश, बेटा अंश, छोटे से लड़के को देखा?
क्या हो गया भाई अंशो? हेलो बारिश मिश रहा। कौन बोल रहा? बहुत परेशान लग रहा है। बेटे को ढूंढ रहे क्या? बोला था ना सर, इंश्योरेंस ले लो। कौन बोल रहा है मादर चोद? तो पहले अपने बेटे की चिंता कर। परेशान है बेचारा। मादर चोद क्या चाहिए तेरे को? सामने आना। जा मार दे उसको। किसको पूछ रहा है? देख विकी का मरना बेटे के मरने से तो बेहतर ही है ना सर। ऐसे कैसे कर दूं? अभी भी यही पूछ रहा है। तेरी दुनिया बदलने वाली है। बेटे को बचाना है तो विकी को मारना पड़ेगा, नहीं तो तेरे अंश को मैं मार दूंगा और बेटे के ना होने का दर्द तुझे अभी महसूस हो ही रहा होगा। जाओ जाके मार दे विकी को, मार दे उसको, मार दे। मधु मेरे पास मैसेज आया था। मधु उसकी जान खतरे में थी, मैं जानबूझ के नहीं किया, मुझसे कराया गया है। मधु सुनो यार, मेरी गलती नहीं है यार, मेरे पास मैसेज आया था। इधर आओ तू। पागल हो गए हो? मधु दर्द हो रहा है इधर। हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। याद है मेरा सर, 20 दिन तक हॉस्पिटल में था मैं। मेरी बीवी दोस्त मेरे दफ्तर की चक्कर काटती थी इंश्योरेंस के पैसों के लिए। याद है तेरे को? वो पैसा जिससे मेरी जान बच सकती थी, और तूने, तेरे विकी ने मेरे सारे पैसे मार लिए। तूने मेरी बीवी को पैसों के बहाने उसका रेप किया था। मेरी बीवी का रेप किया था तूने, मेरी बच्ची के सामने, मेरी बच्चे के सामने उसकी माँ का रेप किया था तूने साले। जिंदा नहीं छोड़ूंगा।